हाय गाइस, मैं शानचार, वेलकम बैक टू द चैनल कोड इन 10। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले इस क्वेश्चन के बारे में, इसका नाम है फाइंड डुप्लीकेट्स इन एन एरे। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है यार, इस क्वेश्चन में गिवन है कि तुम्हें एक एरर दे रखा है साइज एन का, ठीक है। उसमें एलिमेंट्स है 0 से n-1 तक, एंड इसमें कई बार कई एलिमेंट्स जो है मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं, तो मतलब वो डुप्लीकेट्स हैं। तो तुम्हें क्या करना है, सारे डुप्लीकेट्स जो हैं उन सबको रिटर्न कर देना है। अगर बाय चांस डुप्लीकेट नहीं है तो तुम्हें -1 रिटर्न कर देना है, ठीक है। ये है, जैसे ये देखोगे तुम 2 3 1 2 3 है यहाँ पे, तो 2 दो बार आ रहा है 3 दो बार आ रहा है, डुप्लीकेट्स हैं, मोर देन वंस आ रहे हैं, मतलब जो भी मोर देन वंस आ रहे हैं उनको हमें रिटर्न कर देना है। सबसे पहले हमें जो अप्रोच दिमाग में आ रही होगी कि यार एक सबसे पहले काम करते हैं, जैसे हमें दे रखा है 2 3 1 2 3, हमें एरे दे रखा है। सबसे पहले अप्रोच आ रही है यार काउंट कर लेते हैं, ठीक है, काउंट कर लेते हैं। काउंट करके बारी बारी जाएंगे, इस पे जाएंगे देख लेंगे 2 कितनी बार आ रहा है, फिर इस पे जाएंगे 3 कितनी बार आ रहा है, फिर इस पे जाएंगे 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, ऐसे हमने चेक कर लिया, ठीक है। जो भी नंबर हमारा ग्रेटर देन 1 टाइम आ रहा है उसको कर देंगे रिटर्न, ठीक है। एक तो ये अप्रोच है, मतलब बार 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 जाते गए, इसकी थोड़ी सी ये मतलब तुम्हारा एन स्क्वायर की अप्रोच होगी, मतलब इसमें हम एरे को 2 बारी ट्रैवर्स कर रहे होंगे, एक बारी हर नंबर के लिए पूरे पूरे एरे को हम ट्रैवर्स कर रहे होंगे, ठीक है। इसके साथ हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या पहले 2 आ रखा है, क्या नहीं आ रखा है, डाल दिया नहीं डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम क्या कर सकते हैं, एक और एरे ले सकते हैं, ठीक है, एन साइज़ का, उसमें हम फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, हमने क्या करा, जैसे ही ये देखो 0 1 2 3 4, हमें बोला है ना 0 2 n-1 है, तो क्या होंगे 0 2 4 होंगे 5 के लिए, तो हम बोलेंगे 2 वाले इंडेक्स पे जाओ और इसको 1 कर दो, मतलब प्लस प्लस कर दो, फिर 3 वाले इंडेक्स पे जाओ इसको 1 कर दो, फिर 1 के इंडेक्स पे जाओ इसको भी 1 कर दो, ठीक है। उसके बाद 2 के इंडेक्स पे जाओ इसको इंक्रीज़ कर दो, 2 हो गया, 3 के इंडेक्स पे जाओ इसको इंक्रीज़ कर दिया, 2 हो गया। तो हमने सारे ऐसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर दी, फिर इस एरे में हमने फिर से ट्रैवर्स किया, इस एरे में से हमने फिर से ट्रैवर्स किया, और जिस जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो कम हो गई, मतलब हम हर पूरे एरे को सिर्फ एक ही बारी ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो तुम्हारी बिग ऑफ एन हो गई, राइट, ऑर्डर ऑफ एन में तो हम आ गए, बट इसमें हम स्पेस भी यूज़ कर रहे हैं, हमने एक और एरे बनाना पड़ा हमें, राइट, एक और एरे बनाना पड़ा फ्रीक्वेंसीज के लिए, तो हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं, तो हम सेम जितनी हमारी मतलब एरे है उतना ही हम ऑर्डर ऑफ एन का ही स्पेस भी यूज़ कर रहे होंगे, जितना हमें गिवन साइज़ है उतने का हमें एक और बनाना पड़ेगा एरे, दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ एन स्पेस का एक और एरे यूज़ कर रहे होंगे। अब तुम्हें इंटरव्यूअर ने बोला यार ये सब तुमने ठीक है कर दिया, अब एक काम करो ऑर्डर ऑफ एन में करो और स्पेस भी नहीं यूज़ करनी, स्पेस भी मैंने यूज़ करनी है, तो इसमें ना काफ़ी एक खतरनाक मैथमेटिक्स, खतरनाक नहीं बहुत ईजी मैथ्स लग रही है, ठीक है, थोड़ा ईजी सा सॉल्यूशन है ऐसे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंगल डुप्लीकेट एलिमेंट आ रहा होता तो हम यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट में एक चीज़ होती है तुम्हारा स्लो एंड फास्ट पॉइंटर वाला, टॉर्टोइज एंड हेयर वाली एक अप्रोच होती है, वो यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे मल्टीपल डुप्लीकेट्स आ रहे हैं तो हम वो वाली अप्रोच यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते कि मल्टीपल साइकिल्स बन जाएंगी। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं यार, हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे कहीं पे भी लिखा कि हम अपने एरे को मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम अपने एरे को मॉडिफाई कर लेंगे, राइट। अब मॉडिफाई कैसे करेंगे, हमने बोला यार एक काम करो, या मैं एरे दे रखा है, एक काम करो पहले उस एलिमेंट पे जाओ, ठीक है, इस एलिमेंट का इंडेक्स निकाल लो, क्या करो इस एलिमेंट का इंडेक्स निकाल लो। अब इंडेक्स कैसे निकालेंगे, इंडेक्स हम निकालेंगे मॉड एन करके, हमने इंडेक्स निकाल लिया मॉड एन करके। अब उस इंडेक्स पे जाओ जो इंडेक्स है, जैसे 2 के लिए मॉड 5 2 ही आएगा, तो 2 वाले इंडेक्स पे जाओ और जो भी नंबर वहाँ पे गिवन है ना उसमें प्लस एन कर दो, उसमें प्लस एन कर दो। इससे क्या होगा, हमें पता है कि अभी इनिशियल क्या नंबर है वो हमें पता रहेगा हमेशा, क्योंकि अगर हम एन माइनस करेंगे तो हमें इनिशियल नंबर मिल जाएगा, राइट। अब तुमने क्या करा, प्लस एन कर दिया, यही चीज़ बार बार करो, ठीक है। जैसे हम इस वाले एरे में करके देखते हैं, नए एरे बनाते हैं 2 3 1 2 3, ठीक है, हमने बोला 2 पे आए, 2 पे हमने देखा कि इंडेक्स जो है वो 2 होगा, तो 2 इंडेक्स पे गए, इसको चेंज करके हमने 6 कर दिया, राइट। फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे गए, 3 पे आए, 3 का इंडेक्स पे 2 रखा हुआ है तो इसको हमने क्या कर दिया, 7 कर दिया। फिर 1 पे आए, 1 पे इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, 3 रखा हुआ है, तो इसको काट के हमने क्या कर दिया, 3 + 5 = 8 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स पे आए हम 2 पे फिर से, तो 2 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ हमारा, 1 रखा हुआ था ना, तो 6 हो चुका था, तो इसको काट के हमने फिर से 11 कर दिया, राइट, इसको हमने 11 कर दिया। फिर लास्ट पे गए 3 पे हमने क्या रखा हुआ था, 7 रखा हुआ था, इसको काट के हमने क्या कर दिया, 12 कर दिया। तो हमने क्या करा, इसको 12 कर दिया। अब हमें क्या मिल गया, जो मॉडिफाइड एरे मिल गया वो ये मिल गया, 2 8 11 12 3,
अब हम क्या करेंगे, हम हर एक इंडेक्स पे जाएंगे, हम चेक करेंगे कि यार इसको जब हम डिवाइडेड बाय एन करते हैं, डिवाइड बाय एन करते हैं, तो अगर जो हमारा नंबर आता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, दैट मीन्स कि यहाँ पे डुप्लीकेट है। अगर हम किसी भी नंबर में बस एक ही बार ऐड करें, जैसे यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे जो ये है हमारा इंडेक्स वन पे जो नंबर था, इंडेक्स वन पे बस हमने एक बार ही 5 ऐड करा है, तो अगर इसे डिवाइड करेंगे 8 डिवाइड बाय 5, ठीक है, ये तुम्हारा 1 point something आएगा, 1.6 आएगा, ये दिस इज लेस देन तुम्हारा 2, बिकॉज दो बार ही हमने 5 ऐड नहीं करा, इसका मतलब बस ये है कि 2 टाइम्स ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब कि हम दो बार 5 ऐड कर चुके हैं, दो बार 5 ऐड कर चुके हैं मतलब डुप्लीकेट था वहाँ पे। बस हम यही चेक करेंगे, सब पे जाएंगे और इंडेक्स को, जो भी इंडेक्स होगा उसको अपने आंसर में डाल देंगे। इंडेक्स को भी डालेंगे आंसर में, क्योंकि हम इंडेक्स पे जाके ही ऐड कर रहे थे, दैट मीन्स वो नंबर है जहाँ पे डबल आ रहा है, तो हम इंडेक्स को जाके ऐड कर देंगे। इसको जल्दी से कोड कर देते हैं, तो मैं दिखा देते हैं। अब यहाँ पे ना हमें वेक्टर रिटर्न करना है। वेक्टर क्या होता है तुम्हारा यार, एक डायनेमिक एरे होता है। डायनेमिक एरे का क्या मतलब है कि यहाँ पे जैसे हमें एरे का साइज़ देना पड़ता है ना, वेक्टर में हमें साइज़ नहीं देना पड़ता, वो अपने आप साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता है। अभी हम एसटीएल वगैरह पढ़ेंगे तो तुम्हें दिखा देंगे क्या होता है, ठीक है। लूप लिख लिया हमने, अब इसमें क्या करना है, इंडेक्स निकालना है। इंडेक्स निकालने के बाद इंडेक्स कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे एरे ऑफ आई मॉड कर दो तुम्हारे एन से, उसके बाद हम क्या करेंगे एरे ऑफ आई में ऐड कर देंगे एन को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, हमें हर इंडेक्स पे जाना है और चेक करना है अगर एरे ऑफ आई डिवाइडेड बाय तुम्हारा एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो बस क्या करना है, आंसर में डाल देना है इसे। पुशबैक से क्या होता है, तुम्हारा एरे में नया एलिमेंट लास्ट में ऐड हो जाता है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे एक चीज़ यहाँ पे, अगर आंसर डॉट साइज 0 है तो हम क्या करेंगे, बस रिटर्न कर देंगे -1 को। ये ऐसे रिटर्न करने का मतलब है, इसने अपने आप एक वेक्टर बना दिया जिसमें बस एक -1 एलिमेंट पड़ा, उसको रिटर्न कर दिया। नॉर्मली हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को, इसको कंपाइल करके देख लेते हैं, सही है। -1 आना चाहिए क्योंकि सारे एलिमेंट्स अवेलेबल है, इसको सबमिट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे एक गलती कर दी है, एरे ऑफ आई नहीं करना, हमें एरे ऑफ इंडेक्स करना है, एरे इंडेक्स निकाला है हमने, सही है, पास हो गया अपना। तुम इसको फिर से एक बार ड्राई रन करके देखना थोड़े बड़े टेस्ट केस के साथ, तो तुम्हें अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, लाइक कर दो इस वीडियो को, कमेंट कर दो अगर तुम्हारे कोई सजेशन वगैरह हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।